रिपोर्टर यासर अली की रिपोर्ट के मुताबिक मोहतरमा फिरदौस आशिक ऐवान का आवाम से इजहार ख्याल। इन्होंने कहा कि जुबान, नस्ल और किरदार से इंसान या तो मीरास की आला मिनाजिल तय करता है या फिर पस्ती के अंधेरे इसका मुकद्दर बनते हैं। राजकुमारी, आपने कल जलसे में जो ज़ुबान इस्तेमाल की वो ये बात साबित करने के लिए काफ़ी है कि आपका ताल्लुक झूठों के आलमी शोहरत याफ्ता खानदान से है, जिसने सियासी मकासद के लिए बीबी शहीद पर क्या लांत आन की और किस तरह अपने मुखालफीन को गैर पार्लिमानी अल्फाज से पुकारा। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता है, लेकिन हमारी तरबियत में अच्छाई है। मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो ने गड़ी खुदा बख्श में जो ज़बान इस्तेमाल की वज़ीर आज़म पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान के कौमी इदारों के हवाले से, उसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। ख़ास तौर पर मरियम नवाज का वहाँ गड़ी खुदा बख्श में जाके भुट्टो की कब्र पे, बेनज़ीर भुट्टो शहीद की कब्र पे खड़े होके ये पावर करवाना कि मेरा वालद जो है वो जिसको गद्दार कहता रहा, मेरा वालद जो है जिसको सिक्योरिटी रिस्क कहता रहा, मेरा वालद जो है जिसने हमेशा पाकिस्तान तोड़ने के लिए जिस पे इल्ज़ाम तराशियां की,